नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में उसके बाद से क्या हो रहा है देश में, जिसमें हमको और आपको सभी को चौंका के रख दिया है। क्योंकि हमारे आंखों के पर्दे के पीछे कुछ ऐसी है कि उलूल झुलूल बातें और घबराहट की सीमाओं को पार करते हुए नेताओं का जो कि झूठ बोलने का अंबार जो कि लगातार जो कि बढ़ते जा रहा है, और ये कि किस तरीक़ा से ये कि क्या ये कि हो रहा है, यह बात को समझ पाना लोगों के लिए ये कि एक चुनौतीपूर्ण ये कि बातें ये कि बनी हुई है। दोस्तों, ब्रजभूषण को टिकट ये कि मिलते मिलते ये कि अभी तक ये कि कोई क्लियर नहीं हो पाया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कि उनकी पत्नी को चुनाव दे सकते टिकट दे सकते हैं, लेकिन सभी नेताओं को ये कि झूठ पर झूठ बोलना और ये कि तमाम तरीके के ऐसे जी की बातें सामने आ रही है कि जो घबराहट से पैदा कर दे रही है, और तमाम जी के नेता हैं एकदम बिल्कुल घबरा चुके हैं। बातें समझ में नहीं आ रही कि किस पर जी की क्या जी की बातें करना है। किसी को हार का डर सताया जा रहा है, तो किसी का जो जीत का जी की जोश जी की दिखाई दे रहा है, और इसमें जी की नेता क्या जी की बोलना है यह समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ नेताओं का ये ऐसा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नेताओं का ऐसा कहना है कि हमने फ्री में राशन दिया है तो हमें जो कि वोट मिलना लाजमी बनता है, हमें वोट ये कि चाहिए। कोई जो है कि औरतों के मंगलसूत्र पर जो की बात कर रहा है, तो कोई जो है कि डर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो की चुनाव में आएगी तो संविधान को बदल देगी। तो दोस्तों, यह बात जो कि हजम होने वाली है नहीं, लेकिन इसे मजबूरी में जो कि लोग हजम कर रहे हैं, और डर इस बात का सता रहा है कि कहीं जे की सत्ता जे की चली गई तो फिर जे की भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। लेकिन कुछ लोगों को डर इस बात की सता रही है, जैसे कि कांग्रेस को, कि अगर जे की फिर से दोबारा जे की भारतीय जनता पार्टी रिटर्न हो गई तो जे की देश का जे की क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा। ऐसे में सभी लोग अपना अपना सुर जे की बहुत तेजी से जे की प्रचार प्रसार में जे की लगे हुए हैं। तीसरे चरण का चुनाव जो है कि 7 मई को जो कि होने वाला है, लेकिन उससे जो कि जिस प्रकार मौसम का टेम्परेचर जो कि हाई है, उसी तरीका से राजनीतिक टेम्परेचर जो कि हाई है, और जो कि ऐसे में जो कि क्या जो कि कहना है इस बात को लोग भूलते जा रहे हैं और लगातार जो है कि उस पर जो कि कटाक्ष करते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में जो कि मैं बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप कंपनी है जो मेटा डेटा है, मेटा कंपनी है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो कि व्हाट्सअप तीनों चलाती है, लेकिन इस पर जो है कि वह आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमसे जो है कि मांगा जा रहा है लोगों की प्राइवेसी लीक करने की बात कही जा रही है, हम पर जो कि दबाव बनाया जा रहा है। जबकि एक व्यक्ति जो कि मैसेज करता है दूसरे व्यक्ति को, तो एक ही व्यक्ति समझ पाता है कि हमने क्या भेजा, और जो कि पाने वाला जो कि समझता है कि हमने क्या पाया। लेकिन इस चीज़ को अब सरकार कह रही है कि हम भी जानकारी चाहते हैं कि अगला क्या भेज रहा है और वह जो कि अगला क्या पा रहा है। अगर जो कि व्हाट्सअप कॉलिंग हुई, जो कि वीडियो कॉलिंग बात हो रही है, तो अगला जो कि बिना कहे जो कि क्या बताने का प्रयास कर रहा है, हम तीसरा होकर जो कि जानना चाहते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्या यह सरकार जो कि लोगों के साथ जो कि गलत कर रही है या सही कर रही है। लेकिन बौखलाहट सबके अंदर है। अब उलूल झुलूल की बातें करते करते अब इतनी हद तक जो है कि राजनेता जो कि इस टाइम जो कि गिर चुके हैं, जो किसी का मैनिफेस्टो जो कि दिखाई दे रहा है तो उसमें जो कि मुस्लिम दिखाई दे रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि यह जो कि पार्टी आ जाएगी तो देश के साथ साथ हमारी पार्टी को भी सर्वनाश कर देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये किस हद तक किसको जो है कि रोका जा सकता है। बिहार की राजनीति माहौल में ऐसा जो है कि सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे कि ना ही जो कि कांग्रेस जो कि उतना एक्टिव जो कि नज़र आ रही है, जबकि भाजपा भी उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हो क्या रहा है, मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को भारतीय जनता पार्टी अपने जो कि खेमे में जो कि ला लेती है, और उधर जो कि काराकाट से पवन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, जबकि अब एक ही बयान मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब जो कि छोटे छोटे नेताओं पर जो कि छोटे छोटे नेताओं की बातों पर ध्यान देना जो कि चालू कर दिए कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है।
जैसे कि राहुल गांधी जी की बैनार्ड में भी जी की चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जी की मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जिस तरीके से बैनार्ड को छोड़ करके अमेठी आ गए, तो फिर जी की क्या इस बात की गारंटी है कि अमेठी में रहेंगे, बैनार्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और आप लोग से पूछना भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अरुण गोविल जैसे चुनाव समाप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो जे कि मुंबई चले गए, वोट पड़ने के एक दिन बाद ही जे कि चले गए, तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों से तो अच्छा है जे कि राहुल गांधी दो दो जगह से लड़ रहे हैं। और दिक्कत किस बात की हो रही है, जब उन्हें जे कि ललकारा गया है, उन्हें जे कि प्रेस किया गया है, बार बार जे कि चैलेंज किया गया है कि आप जे कि अमेठी से चुनाव लड़ के दिखाइए, चुनाव लड़ के दिखाएं, तो फिर जी कि जब अमेठी में आ गए राहुल गांधी, तो फिर दिक्कत किस बात को जी कि हो रही है किसी भी पार्टी को। और जी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है, तो ऐसा जी कि क्यों जी कि कर रही है, 370 जी कि अभी पूरी तरीका से हट नहीं पाई, और राम मंदिर का निर्माण जी कि उसने कराया नहीं, राम मंदिर का निर्माण का जी कि पूरी जी कि लाभ जी कि उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर जी कि ऐसे जी कि बातों में जी कि उलूल झुलूल की बातों में जी कि क्यों जी कि फंसना जी कि चाहिए। सबसे बड़ी तो समस्या इस बात का है कि बौखलाहट सबके अंदर जे की समा गई है। अभी दो चरण का जे की चुनाव हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लोग ए टीम और बी टीम सी टीम क्या क्या जे की नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आकाश सानंद को उतार करके चुनाव में और ऐसे माहौल को गर्म किया है उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर। जबकि आज मुरैना में जे की मुरैना मध्य प्रदेश में जे की मायावती स्वयं जे की रैली में जे की पहुंची, और आकाश आनंद जी कि जब ऐसे जी कि पावरफुल जी कि एनर्जी के साथ जी कि मैदान में उतर रहे हैं, मंच पर उतर रहे हैं, तो सभी विपक्षी का दिल जी कि दहल जा रहा है। लेकिन उनको तो किसी प्रकार की घबराहट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बौखला रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं आकाश आनंद जी के लाल टोपी वाले जी के आएंगे। इधर जो कि भाजपा एक्टिव जो कि हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि जहां भी जाएंगे, रैली करेंगे या बात करेंगे, वहां जे कि हमारा एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो इसके बाद भी दिल लोगों की नहीं भर रही है, लोग जी के अंदर जे की घबराहट ऐसे जे की पैदा जे की हो रही है, एकदम बौखलाहट। क्या जे कि यह माहौल जे की क्रिएट किया जा रहा है, क्या जे कि अब जे कि फिर जे कि दोबारा चुनाव नहीं होगा, या फिर जे कि तीसरा चरण का जो चुनाव जे कि लोगों ने कयास लगा रहा है कि अब चुनाव समाप्त हो जाएगा, चुनाव को जे कि रोक दिया जाएगा, तो क्या ऐसा संभव जी की दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा संभव जी की हमें तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जी की ऐसा अनुमान जी की लगाया जा रहा है कि हो भी सकता है कि ऐसा जी की हो जाए। तो ऐसा जी की अगर हो भी जाता है तो तभी जी की देश के लिए जी की एक मुश्किल की घड़ी का सामना जी की करना पड़ सकता है। लेकिन जनता, आप लोग हैं, आप लोग को जानकारी होगा कि किस पार्टी के साथ जी की जाना है, किस पार्टी के साथ नहीं जाना है। मैंने कल एक जे की सर्वे में जे कि मैंने जे पाया था कि जे कि वहाँ जे कि अधिकांश जे कि बीजेपी को लोग जे कि कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, लेकिन फिर जब नब्ज टटोलने पर जे कि पता चलता है, जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक एक काम के बारे में जे कि बात की जा रही है, तो जे कि समझ में आ रहा है कि ये लोग जे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाले हैं। फिर कांग्रेस को जे कि याद कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी जे कि बारे में जे कि बात की जा रही है, तो वो भी लग रहा है कि कांग्रेस को भी ये लोग वोट नहीं करें, कहीं तीसरे जगह जा रहे हैं। अब तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में समाजवादी हो सकती है, नहीं तो बीएसपी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी गोल गोल सी बातें जनता भी जे की कर रही है, जनता भी अपना मत जे की अपना पत्ता खोल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इस बात को जे की जानती है कि जो ये राजनीतिक दल जिस तरीके से जे की लोगों को गुमराह जे की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जे की यह बड़ी एक मुश्किल हालात में जे की देश को लेके जा रहे हैं। और देश को जाना चाहते हैं आप कि मुश्किल हालात में जाएं, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर जे की क्या एक्शन जे की लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, जनता ही सबसे जे की सर्वोपरि होती है, लेकिन जनता को ही जब ठुकरा दिया जाएगा, तो फिर जे की कैसे जे की काम चलेगा। दोस्तों, बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर जे की मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।